राम राम भाइयों, आज आपका भाई फिर आ लिया एक बारी। दरअसल कुछ कहीं पे आया हुआ था, सोचा एक वीडियो बना लेता हूँ भाई। क्योंकि ऐसा देखो, YouTube पे जो मुझे टाइम चाहिए था, जो आपको पता 4000 घंटे का पूरा तो करना ही है। सच्चाई देखो, बनावटी बात तो हमें आती नहीं करनी। तो भाई कुछ एक ऐसी चीज भी थी कि इसकी वीडियो बनाई जा सकती है, तो मैंने सोचा कि जब भाई कोई चीज है तो उसकी वीडियो बना लेनी चाहिए। तो मैं एक्चुअली आज यहाँ पर आया हुआ हूँ, इसके नियर बाय 1.5 किलोमीटर दूर यहाँ पर है जो सीता सती स्थल है, जहाँ पर सीता जी ने सती हुई थी। तो यहाँ पर ये चीज थी जिसकी वीडियो बहुत से लोगों को नहीं पता कि सीता सती स्थल क्या था, सीता जी सती हुई थी, कैसे हुई थी, क्या हुआ था। तो जो है, मुझे भी नहीं पता था सीता जी सती कहाँ हुई थी, क्या हुआ था। तो यहाँ पर मैं आया हुआ था तो मुझे पता चला इस चीज के बारे में, यहाँ की विशेषता है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं अपने भाइयों को दिखाया जाए और बताया जाए कुछ ऐसी बातें जो कि काफी महत्वपूर्ण है, मगर पता किसी को नहीं है। हमें भी नहीं पता, तो मैं क्या पता होगा। तो ये जगह है, बागपत डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है और गांव का नाम है डोलचा। ये आपका बागपत से मेरठ रोड के बीच में पड़ता है, छोटी सी एरिया, कोई ज्यादा जानता नहीं, कोई ज्यादा वो नहीं है। और इसके पास मेन जो जगह पड़ती है वो पड़ता है पूरा महादेव, जहां पर कावड़ चढ़ती है। तो उससे लगभग पूरा महादेव से 4 किलोमीटर पीछे है, और जहां पर अभी मैं हूं यहां पर से 1.5 किलोमीटर आगे है। तो उसकी तो मैं बात बताऊंगा। यहां पर कुछ एक वनी है जिसका मैं बनाना चाह रहा हूं वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, और इस वनी का वीडियो मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूं। दोस्तों मेरा एक कैमरा एक्चुअली, तो भाइयों अब ये देखो, ये एक वनी है। वनी मतलब वन टाइप का होता है। यहाँ पर लोगों ने क्या किया, इस वनी को सारी काट काट के अपने जंगल बना लिए हैं। अब तो यहाँ पर अपना खेत बना लिए हैं। बाकी बहुत बड़ी वनी है और इसमें हर तरीके का जंगली जानवर आपको मिलेगा काफी। इसमें कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो मुझे लोगों ने बताई है। यहाँ पर कहते हैं कि इसमें रात को है ना कुछ आवाजें आती हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में सही तरीके से हम भी नहीं जानते। तो एक बार मैंने सोचा है कि मैं इसमें रात के टाइम वो चीजें आप लोगों को दिखाऊं, या जो भी बता सकता हूं दिखा सकता हूं, कोशिश करूं कि रात को 12 से 1 बजे के बीच में आके मैं यहां पर नाइट में ठहर कर इस वनी में वीडियो बनाऊं। और अगर कुछ मिलता है हमें तो एक बहुत कामयाबी वाली बात होगी। जो ये कुछ नेचुरल पावर होती हैं ये आपको दिखाऊं, क्योंकि काफी ऐसे भाई हैं जो हॉरर चीजें पसंद करते हैं देखना। तो कोशिश की जाए कि जो सच्चाई है वो दिखाई जाए, क्योंकि ज्यादातर मैंने देखा है कि YouTube पर बना रहे हैं भैया, बना ही रहे हैं बस, वो कुछ नहीं रहा, वो झूठी अपनी एक वीडियो बनाने के चक्कर में गलत चीजें दिखाते हैं, जबकि वैसा कुछ नहीं होता। अपने आप ही वो गलत वीडियो में बनाने के चक्कर में कि वहां पर ये है वे है, मगर हाँ यहाँ पर कुछ लोगों ने देखी है, यहाँ पे ऐसी चीजें हैं। मुझे भी पहले मैंने इसके बारे में पता किया पूरी तरीके से, तब मैंने सोचा कि वीडियो में दिखाया जाए, बताया जाए ये चीजें। तो अभी जल्दी ही आपका भाई यहाँ पर रात के टाइम ठहरने की कोशिश करूंगा, और मैं जैसे भी है वो अपनी एक स्टोरी में डाल दूंगा जिस दिन मैं रात को यहाँ पर रुकना होगा मुझे। मैं लगभग 4 घंटे वनी के अंदर, वो आप देख सकते हैं कितना खूंखार जंगल है, यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं है। इसके अंदर रात को रुकना एक बहुत बड़ा चैलेंज है अपने आप में। कोशिश करूंगा जितना रुक सकूं, जितना दिखा सकूं, अगर ऊपर वाले ने साथ दिया तो जितना हो सकेगा मैं करूंगा यहाँ पर रुकने की कोशिश। मेरे भाई कमेंट जरूर करना, देखो क्या मुझे इस वन में, इस जंगल में रुकना चाहिए रात को, नहीं रुकना चाहिए। ये आप लोग खुद देख सकते हैं कितना घना जंगल है। इसके अंदर बताया जाता है कि रात को कुछ प्रेत वगैरह आते हैं, क्योंकि इसके पास ही एक कब्रिस्तान होता है वो है, और कहते हैं कि यहाँ से बहुत कुछ देखा लोगों ने। जैसे कि एक यहाँ पे मुझे बताया है कि कुछ बिना सिर का इंसान
देखा गया है, और उसके अलावा भी कई ऐसी चीजें हैं जो देखी गई है रात के टाइम। बहुत ही खौफनाक जगह है, एक लेडीज देखी गई है, कुछ चुड़ैल वगैरह यहाँ पर, और किसी काफी तांत्रिक वगैरह भी लाए हैं यहाँ पर, तांत्रिकों को बिठाया गया है शांति के लिए, मगर फिर भी यहाँ पर बहुत ही एक भयानक मंजर बना हुआ है। रात के समय कोई भी इस वनी में नहीं आ सकता, पर जैसे कि आप लोगों को वादा किया है कि भाई अपनी जान को देने को लेकर आप लोगों के लिए करना ही पड़ेगा भाई, वो वीडियो बनानी पड़ेगी। वीडियो बनाने के लिए हमें रात को आना ही आना पड़ेगा। लंबाई बहुत ही ज्यादा, तो और आपको दिखाऊंगा एक थोड़ा सा और वेट कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा या बंद मत कीजिएगा वीडियो, एक और चीज आपको दिखाऊंगा जो इसके प्रेतों को शांत करने के लिए एक महात्मा बैठाए गए हैं, उन महात्मा के, ताकि आपको यकीन हो सके कि जो मैं बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा जो महात्मा बैठे हुए हैं इसको, इन प्रेतों को शांत करने के लिए वो इधर बैठाए हुए हैं शमशान घाट में। जरा आप रुकिएगा, ये देखिए, ये एक शमशान घाट है जहाँ पर महात्मा तपस्या कर रहा है उन प्रेतों को शांत करने के लिए। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा उन महात्मा का भी, जहाँ पर वो बैठते हैं अपनी तपस्या करते हैं। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप किस तरीके से महात्मा यहाँ पर बैठते हैं और किस तरीके की तपस्या करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर इस तरीके से तपस्या हो रही है, और यहाँ पर काफ़ी महात्मा हैं जो तपस्या कर रहे हैं, और आप जैसे कि देख सकते हैं, ये देखिए महात्मा यहाँ पर जो है अपनी भरी दोपहर में तपस्या करते हैं। अभी वो फिलहाल अपना विश्राम कर रहे हैं, रात के समय जब काफ़ी रात्रि हो जाती है तो ये महात्मा लोग यहाँ पर तपस्या करते हैं। ये एक यहाँ पर जो एक नदी है, मे बी ये शायद हिंडन नदी है, इसके बराबर में ही एक वो बना हुआ है, पूरा शमशान घाट बना हुआ है, यहाँ पर महात्मा तपस्या कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं हर भरी दोपहर में बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, अलविदा चाहूँगा आपकी, अगर कोई चीज़ पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ दोस्तों इसे है ना जो है वीडियो पूरी देखे कीजिए, स्किप मत करना, मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ। देखो नई जगह जाते हैं, अगर आप ही नहीं देखोगे तो क्या फ़ायदा होगा हमारी इन वीडियोस का। तो हाथ जोड़कर प्रार्थना है, देखिए प्लीज़, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर कीजिए, डाउनलोड कीजिए, बस हाथ जोड़कर आप लोगों से गुजारिश है, अपने भाई को आगे बढ़ाइए। थैंक यू।